ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जयकार शेरुमलिका बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी। आज के इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि साल 2022 में होलाष्टक कब प्रारंभ हो रहे हैं और होलाष्टक कब समाप्त होंगे। होलाष्टक का मतलब होता है कि होली वाले दिन कब शुरू हो रहे हैं और होली वाले दिन कब समाप्त होंगे। अगर हम अपने धर्मशास्त्रों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक के दिनों में, होली के दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। जैसे विवाह का कार्य हो गया, सगाई का कार्य होगा, कोई भी शुभ काम होलाष्टक के दिनों में वर्जित कहा गया है। अभी जैसा कि आपको मालूम है कि गुरु भी इस समय अस्त चल रहे हैं, तो इसलिए कोई भी शुभ काम इस महीने में नहीं होगा। जिस समय गुरु और शुक्र अस्त होते हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। प्यारे दर्शकों, अगर आप पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि होलाष्टक के दिनों में आपको क्या कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए और होलाष्टक के दिनों में आप क्या कार्य करें जिससे भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए एपिसोड को आपने पूरा देखना है। तो चलिए अब शंकर जी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् युगबंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोली शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज के नए विषय के साथ। आज हम बात कर रहे हैं होलाष्टक 2022। प्यारे साथियों, होलाष्टक यानी कि होली के दिनों में कोई भी शुभ कार्य, जैसे विवाह का कार्य हो गया या सगाई का कार्य हो गया या मुंडन संस्कार हो गया, इन सभी कार्यों को होली के दिनों में करना वर्जित कहा गया है। क्योंकि होली के जो दिन होते हैं इनमें सभी ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अपनी एक जो इनकी प्रभाव की सीमा होती है उससे भी ज़्यादा ये प्रभावशाली होते हैं और इन दिनों में नकारात्मक शक्तियाँ कहीं ना कहीं बहुत चरम पर होती हैं। इसलिए इन दिनों में कोई भी शुभ का कार्य, कोई भी मंगल का कार्य करना वर्जित कहा गया है। अगर आप कोई दुकान का मुहूर्त करना चाहते हैं, अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या और आपका कोई अच्छा शुभ कार्य है, तो होलाष्टक के दिनों में भूल कर भी ये कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा भविष्य में आपको इनका बहुत बड़ा एक नेगेटिव परिणाम मिल सकता है। साल 2022 में होलाष्टक कब प्रारंभ हो रहे हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्यारे साथियों, 10 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं जो कि 18 मार्च तक चलेंगे। जी हाँ, 10 मार्च 2022 से लेकर के 18 मार्च 2022 तक होली वाले दिन चलेंगे। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसके साथ साथ अभी गुरु भी अस्त हैं, ऐसी स्थिति में विवाह आदि मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते। अब मैं आपको बताता हूँ कि होलाष्टक के दिनों में, होली के दिनों में आप क्या कार्य करें जिससे आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़े। इन दिनों में जितना ज़्यादा हो सके आप गरीबों को अन्न देकर उनकी मदद कर सकते हैं, या जो भूखे हैं उनको भोजन करवा सकते हैं, या किसी गरीब को आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, आप पशु पक्षियों को ज़्यादा से ज़्यादा दाना भोजन डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा इन दिनों में आप दान पुण्य करते हैं, उतना ही ज़्यादा परमपिता परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होती है।
प्यारे साथियों, होलाष्टक के दिनों में मुंडन संस्कार इत्यादि भी नहीं करने चाहिए। और इसके अलावा आप जितना ज़्यादा होगा इन दिनों में भगवान हरि नाम का स्मरण करें, उतने ही ज़्यादा आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आज का यह एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय माता की।